स्टूडेंट, मैं विक्रम सर एक बार फिर आप सभी का पीडीएस के ऑनलाइन ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साल्ट के बारे में। अभी तक हम लोगों ने पीएच वैल्यू तक पढ़ा था, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? साल्ट के बारे में, यानी लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी चर्चा इस पर चल रही है, लवण कहते किसे हैं? लवण कहते किसे हैं, लवण कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सभी के बारे में आज हमारी चर्चाएं चलनी है। तो लवण की परिभाषा यह है, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया द्वारा बनने वाले आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया द्वारा बनने वाले आयनिक ठोस को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जैसे उदाहरण, NaOH प्लस HCl मिलाकर यह बनाता है क्या? NaCl, और हमारा क्या होता है? H2O बाहर निकल जाता है। यह क्या है? क्षार है। NaOH क्षार होता है, यह Cl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं, और जल क्या होता है? बाहर निकल जाता है। जिसका मतलब ये अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया द्वारा यह आयनिक ठोस है, यह क्या है? जल है। तो यहां पर ये क्या बना दिया? साल्ट बना दिया। अब ध्यान दीजिएगा, लवण कितने प्रकार के होते हैं? तो लवण के प्रकार लवण मुख्यतः छह प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? छह प्रकार के। पहला होता है सामान्य लवण, दूसरा होता है अम्लीय लवण, तीसरा होता है क्षारकीय लवण, चौथा हमारा होता है मिश्रित लवण, पांचवा होता है जटिल लवण, सॉरी मिश्रित लवण, सॉरी द्विक लवण, छठवा होता है शंकर लवण, तो ये कुल मिलाकर हमारे छह प्रकार के लवण होते हैं। अम्लीय सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण, शंकर लवण। अब एक एक पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या करेंगे चर्चा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सामान्य लवण की चर्चा करेंगे। वे लवण जिसमें विस्थापनीय एच पॉजिटिव आयन तथा OH निगेटिव आयन नहीं होते हैं। क्या? वे लवण जिनमें विस्थापनी H पॉजिटिव आयन तथा OH निगेटिव आयन क्या होते हैं? नहीं होते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। उदाहरण,
NaCl, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है, NaCl हो सकता है, उसके बाद हो सकता है KNO3, KNO3 हो सकता है, इसमें देखिए ना H है और OH भी नहीं है, ठीक है, तो इसमें ये कौन सा लवण होगा, सामान्य लवण होगा। अगली चर्चा हम लोग किस पर करने वाले हैं, अम्लीय लवण पर, किस पर करेंगे, अम्लीय लवण पर। वे लवण जिसमें विस्थापनीय एच पॉजिटिव आयन होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। वे लवण जिनमें विस्थापनीय एच पॉजिटिव आयन होते हैं क्या कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। इसका उदाहरण NaHCO3, क्या NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइसल्फेट, क्या हो सकता है इसका सबसे बेटर एग्जांपल, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और NaHSO4, ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, सोडियम बाई सल्फेट है, ये क्या है, सोडियम बाई सल्फेट है। तो अब यहां पर देखिए इसमें एच पॉजिटिव यहां भी है, इसमें यहां भी है, ठीक है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, अम्लीय लवण हो गया, क्या हो गया, अम्लीय लवण। अगली चर्चा हम लोग किस पर करेंगे, क्षारकीय लवण पर। अगर आपको अम्लीय याद है तो मान लीजिए कि क्षारकीय याद है, वे लवण जिसमें विस्थापनीय OH निगेटिव आयन होते हैं, क्या होते हैं, वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH निगेटिव आयन होते हैं क्षारकीय लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वे लवण जिनमें क्या होता है विस्थापनीय OH निगेटिव आयन होते हैं, क्या होते हैं, विस्थापनीय OH निगेटिव आयन होते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारकीय लवण कहलाते हैं। जैसे MgOHCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, उसके बाद यहां क्या हो सकता है, ZnOHCl, MgOHCl, उसके बाद क्या हो सकता है, ZnOHCl होता है। अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर OH भी है, यहां पर OH प्रेजेंस है, इसका मतलब है यहां पर ये दोनों कैसे साल्ट, किस प्रकार के साल्ट होंगे, क्षारकीय साल्ट होंगे, क्या होंगे, क्षारकीय साल्ट कहलाएंगे। उसके बाद अगली बात हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिश्रित लवण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मिश्रित लवण पढ़ेंगे। वे लवण जिसमें एक या नहीं एक से अधिक, वे लवण जिनमें क्या होता है, वे लवण जिनमें एक से वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन अथवा ऋणायन पाए जाते हैं,
क्या होता है? वेल अवर जिनमें एक से अधिक प्रकार के, मतलब क्या होता है, एक से अधिक प्रकार के धनायन अथवा क्या पाए जाते हैं, ऋणायन पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिश्रित लवण कहलाते हैं। उदाहरण इसका क्या हो सकता है? इसका उदाहरण है यानी AKSO4। क्या हो सकता है? यानी AKSO4। उसके बाद CaOCl। ध्यान दीजिएगा यहां, इसमें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी दो प्रकार की पॉजिटिव मिल गए। इसमें क्या है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ठीक है। मतलब क्या होता है, जिसमें एक से अधिक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, धनायन अथवा ऋणायन पाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, मिश्रित लवण कहा जाता है। अगली चर्चा हम लोग किस पर करेंगे, द्विक लवण पे करेंगे। किस पर करेंगे? द्विक लवण पे। दो या दो से अधिक लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। इसका सबसे अच्छा बेटा एग्जांपल होगा क्या, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है जैसे फिटकरी है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस N2 24H2O। क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू क्या होता है, 24H2O। यहाँ पर देखिए पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट दो प्रकार के साल्ट को मिलाकर क्या बनाया गया, फिटकरी बनाई गई है। इसका दूसरा एग्जांपल हमारा हो सकता है FeSO4। क्या होता है? FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O। ये किसका सूत्र है? ये तो आपको पता ही होगा, फिटकरी है। ये क्या है? मोहर लवण है। क्या है? मोहर लवण का सूत्र है FeSO4 NH4 2SO4 6H2O। यहां एक प्रकार का साल्ट है, एक प्रकार का साल्ट है, दो प्रकार के साल्ट को मिलाकर ये बनाया गया, इसलिए कैसा साल्ट कहलाएगा, द्विक लवण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विक लवण कहलाएगा। अगली बात हम लोग लास्ट वाला क्या पढ़ेंगे, मिश्रित लवण। सॉरी, मिश्रित नहीं, संकर लवण। यह हमारा कितना प्रकार है? छठवां प्रकार है। वे लवण जिनमें क्या लिखा हमने, वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन
वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्वीय धनायन के साथ संयोग करके उपसा संयोजक यौगिक बनाते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिश्रित लवण कहलाते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? K4FeCN6 यानी पोटेशियम फेरोहेक्सासाइनाइड। हाँ, वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन और धात्विक धनायन के साथ संयोग करके उपसा संयोजक यौगिक बनाते हैं क्या कहलाते हैं? शंकर लवण कहलाते हैं। शंकर लवण कहलाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है? K4FeCN6 ठीक है, पोटेशियम फेरोहेक्सासाइनाइड। दूसरा हो सकता है Cu, क्या हो सकता है? Cu NH4 का होल ट्वाइस इंटू क्या हो सकता है? Cl2, क्या हो सकता है? Cl2 हो सकता है, ठीक है। Cu NH4 का होल ट्वाइस इंटू क्या हो सकता है? Cl2। ये दो प्रकार के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। दो एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसमें कुल मिलाकर हम लोगों ने 6 साल्ट के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। 6 प्रकार के साल्ट, हाँ, K4FeCN6 CuNH4, एक मिनट, क्योंकि NH3 होगा उसके बाद यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। ये क्या होगा? NH3 पावर क्या होगा? 4 होगा, ठीक। तो ये दो प्रकार के साल्ट इसमें पाए जाते हैं। अब पूरे साल्ट में अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 88 58 19 58 65 पर व्हाट्सएप करके अथवा कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। बी सेफ, स्टे होम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।